नमस्कार, आज हम बनाएंगे पोटैटो पैनकेक। ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी करते हैं। मैं आज बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की आलू ली हूँ। आलू को पहले ही ग्रेट कर ली हूँ ग्रेटर से, फिर पानी से निकाल ली। आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हो। फिर दो अंडे ली हूँ। अंडे के बिना पैनकेक तो अधूरा ही है। अब अंडे में एक पिंच नमक मिला के उसे फेंट लेना है। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हो तो इसमें हरी मिर्च भी मिला सकते हो। मैं ये बच्चे के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें सिर्फ धनिया पत्ता डालूँगी। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ और कुछ धनिया पत्ते। मैंने यहाँ पे एक चम्मच के बराबर धनिया पत्ता डाली हूँ। अब रेडी है बनाने के लिए, तो चलिए। मैंने गैस पर पैन रखी हूँ। पैन में एक चम्मच तेल डाली हूँ। अब तेल को गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तेल गर्म हो चुके हैं। अब हमें प्याज को भून लेना है एक दो मिनट के लिए। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हो तो इसमें हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हो और ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे बच्चे के लिए बना रही तो कुछ भी नहीं डालूँगी। अब हमें एक दो मिनट के लिए प्याज को भून लेना है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आप देख सकते हो प्याज भून चुके हैं। अब हमें आलू और प्याज को भून लेना है और एक दो मिनट के लिए। अब हम मसाला ऐड करेंगे। मसाला में मैंने यहाँ पे टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। आप यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रही। अब 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद हमें फिर से 1/4 चम्मच, मैं यहाँ पे मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। बहुत कम क्वांटिटी है, अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हो। मेरा बेटा छोटा है इसलिए मैं कम मिर्ची डाल रही हूँ और मसाला भी कम। आप मसाला की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। अब हमें इसे 2-3 मिनट के लिए भूनना है, जब तक आलू 90% ना पके। आप देख सकते हो आलू 90% पक चुके हैं। अब हमें इसे मिला लेना है। अब तवे पे इसे फैला लेना है। मैंने यहाँ पे पैनकेक बनाने के लिए रेडी कर ली हूँ। मैंने फैला ली हूँ पैन पर। अब अंडे को इसमें डाल देंगे। हमें अंडे को कवर कर लेना है पूरे आलू पर। कहीं पे बचे हैं तो चम्मच के हेल्प से आप डाल सकते हो। अब हमें इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए कवर करना है। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमें इसे पलटाना है। वाओ, आप देख सकते हो नीचे से आलू क्रिस्पी बने। क्रिस्पी बनने के कारण बच्चे इसे पसंद करते हैं। आप रेडी हैं। आपका अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने वीडियो को देखे इसलिए थैंक यू। अब अपने हिसाब से इसे सर्व कर सकते हो। मैं कुछ धनिया पत्ता के साथ कर रही हूँ। आप इसे काट के कुछ शेप बना के भी कर सकते हो, कुछ इस तरह। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।